हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी उमर अकबर सरकानी। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो यार, कल रात 12 बजे पार्टी ख़त्म हुई और जब मैं घर आया तो फिर मैं 1 बजे के बाद सोया तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। और अभी मैं फजर पढ़ के आया हूँ बस अभी, तो बहुत ज़्यादा सर में दर्द भी हो रही है और नींद आ रही है यार। लेकिन आज काम बहुत ज़्यादा है और टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मैंने कल वीडियोस अपने मोबाइल में शूट नहीं की हुई हैं बल्कि एक दोस्त ने अपने फ़ोन में की हुई है। तो आज मैं जाऊंगा उसके यहाँ और उससे अपनी वीडियोस लूंगा, फिर उसे एडिट करूंगा आज का व्लॉग। और आज भी व्लॉग शूट करना है तो काम बहुत ज़्यादा है, और कॉलेज भी जाना है तो काम बहुत ही ज़्यादा है, और कॉलेज से फिर आके मैंने गाँव भी चला जाना है क्योंकि जुम्मे का दिन है। तो खैर, इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे किसी न किसी तरीके से। तो आज का व्लॉग पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। बस यार, जुम्मे का दिन है और अंकल ने आज गाँव भी जाना है, तो ये टैंकी मैं अभी गाड़ी में रख रहा हूँ ताकि अंकल अपने साथ गाँव ले जाइए, क्योंकि बाइक पर ले जाना बहुत मुश्किल है इसे। ये एक डब्बा भी ले जाना है तो इसे भी यहाँ पे रखते हैं। बस बिल्कुल सही हो गया। वकार जी, जी जान बहुत ज्यादा थके हो? नहीं यार, थका नहीं, 8वीं की क्लास में नींद आ गई है। तो सो जाओ यार, आराम कर लो। फिर 8वीं में हाँ, सूरज में बहुत अच्छा लग रहा है यार। सुनना चल, हालात खराब थी, बोले हालात खराब थी। समोसे नहीं थे खोल लीजिएगा यार, बस रश्ते पास कैंटीन वाले मैं और उस बोल गुजार यार। आज बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं था कॉलेज जाने का। मैं कहता कि कॉलेज आता हूँ, फिर से कहता कि छुट्टी कर देता हूँ, लेकिन फाइनली मैं कॉलेज आ गया हूँ और इंशाल्लाह जुम्मे का दिन भी है तो जुम्मा पढ़ के मैं गाँव भी चला जाऊंगा और फिर मंडे को मैं इंशाल्लाह शायद नहीं और छुट्टी कर। तो आज बिलाल भी नहीं है यार, बिलाल जब नहीं होता तो फिर लोग का मजा उस तरह का नहीं होता, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकता, इसकी जुबान हर वक्त बंद रहती है। हमारे लोग करंट रूम में करूंगा। कल तो छुट्टी है, मैं नहीं आऊंगा कल, मतलब मंडे के लिए। मंडे के लिए, मंडे को भी मैं नहीं आऊंगा। ट्यूसडे जब आप लोग ट्यूसडे को तो जरूर आना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन है। ट्यूसडे को मैं आपको बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा कि आप बातें करें व्लॉग में। आप क्यों इसके पीछे लगे हो कि ये बातें ना करें? बस गाइस, फाइनली मैं कॉलेज से वापस आ गया हूँ और अभी जुम्मा पढ़ के मैं गाँव भी चला जाऊंगा। तो यार, वो वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट हो गई और अभी उस लड़के के साथ मैंने कांटेक्ट की तो उसने कहा कि जिसके पास वो वीडियोस है पार्टी वाली तो वो पेशावर चले गए हैं और एक दो दिन में वो वापस आ जाएंगे तो फिर आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं थोड़ा वेट कर लूँगा। तो खैर, अब भी थोड़ा वेट करें, व्लॉग इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आप देख लोगे। तो मैं तो वीडियोज़ व्हाट्सएप में भी सेंड हो सकते हैं लेकिन फिर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और वो मज़ा नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूएसबी में उससे वीडियोस लूँगा और फिर ब्लॉग एडिट करके आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप थोड़ा और भी वेट करें, खैर थोड़ा गुजारा कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ ब्लॉग को शेयर करूँगा। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद डायरेक्ट मैं गाँव चला जाऊँगा। तो जस्ट वेट फॉर द पार्टी ब्लॉग, यू विल रियली इन्जॉय दैट इंशाल्लाह। अच्छा, बस मैं गाँव जा रहा हूँ, सही है। हमारा सर अनस जी, अनस तू मेरे मेरे साथ जा सकते हो? कल स्कूल जाओगे? हाँ। अच्छा, बस फिर इंशाल्लाह कहीं मैं आपको ले जाऊंगा गाँव, सही है। जब आप फारिग हो जाओ स्कूल से फिर इंशाल्लाह मैं आपको ले जाऊंगा गाँव, सही है। बस गाइस, अभी मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ और नमाज पढ़ने के बाद मैंने खाना भी खाया, तो अभी गाँव जा रहा हूँ। तो चलिए सामान यहाँ पे रखते हैं। हेलमेट दो मुझे, वो नगर जी की देखा कैसे का। हेलमेट को मैं आज नहीं पहनूंगा बल्कि ये चश्मे ही सही है। बिस्मिल्लाह। तो चले गाइस, गाँव चलते हैं, लेट्स गो। बस गाइस, मैं गाँव तकरीबन पहुंचने वाला हूँ और यहाँ से हमारे घर को बस 5-6 मिनट का रास्ता है और मैं इंशाल्लाह घर पहुंच जाऊँगा। लेकिन आपसे एक ज़रूरी बात कहनी थी और वो ये
कि ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ ये आज के दिन ही मैं अपलोड कर लूँगा, क्योंकि पार्टी वाला व्लॉग अभी तक मैंने एडिट नहीं किया हुआ है, वीडियोज़ नहीं मिली है। तो बहुत जल्द वो वाला व्लॉग भी रेडी हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझसे एक भी दिन मिस ना हो व्लॉग किए बगैर। तो इसी वजह से ये डेली व्लॉगिंग का जो एक कंटिन्यूस फ्लो चल रही है, मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भी ना रोके। तो इसी वजह से डेली व्लॉग अपलोड करना पड़ता है। तो खैर यहीं पे ही मैं ये व्लॉग ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि अभी घर जाके इसे एडिट भी करना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। अपने भाई उमर अकबर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।